दर्द का रिश्ता होता है। मेरी बात मान लो वैभव, जो लोग अपनों को ठुकरा के जाते हैं उन्हें पराए भी नहीं अपनाते। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बुलाने के लिए ऐसा नाटक क्यों किया और तुम्हें जाने की जरूरत भी क्या थी। वो तो ये समझता है कि आपने उसका बेटा छीन लिया और अगर उसका बस चले ना वो तो आपका सब कुछ छीन ले। वो घर छोड़कर चला गया, ये उसने गलती की, लेकिन आप लोगों ने भी उसे एहसास दिलाने की कभी कोशिश भी तो नहीं की ना कि रिश्ता क्या होता है, घर क्या होता है। वो घर छोड़कर चला गया और आप लोगों के अहंकार ने उसे वापस लाने की कोशिश तक नहीं करने दी। मैं देख रही हूँ वैभव, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से तुम्हारे घर वाले हमारे बीच में आ गए हैं तब से तुम्हारे तौर तरीके बदल गए हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ तुम्हारा प्यार और तुम्हारा तेवर कैसे बदल रहा है वो मैं भी देख रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम कि मैं बदलती जा रही हूँ? आशिक, पता नहीं तुम बदलती जा रही हो या कुछ चीजें छिपी हुई थी जो आज सामने आने लगी। मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही थी तुम। अरे मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, लेकिन आज अफसोस हो रहा और मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या इसी तरह हम अपने प्यार के रिश्ते को निभाएंगे। तुम अपने घर वालों से मिलकर आए हो तो क्या इसलिए कि तुम मुझे दोषी ठहरा सको, सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल सको? ये गलत है वैभव। क्या बात है बेटा? देखो ना पापा, वैभव अपने घर जाके आया है तो एक नया नाटक शुरू कर दिया है। उनकी बातें सुनकर हमारे सामने बकवास कर रहा है। वहां जाके आएगा तो और क्या करेगा? देखिए ना, सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल रहा है। वैभव, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं, या अपने बाप की तरह सब इंसानियत भूल गए? अंकल प्लीज, मेरे पापा को बीच में मत लाइए बस। अरे तुम वहां गए ही क्यों थे? क्या इसलिए कि हमारे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में लोग जहर भर दे? क्या समझा कर भेजा उन्हें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पापा, वो लोग अगर दावा कर रहे हैं तो इसमें जरूर वैभव की रजामंदी शामिल है। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? तुम ये मत समझना वैभव कि हमें कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है हमें। क्या पता है? क्या पता है तुम्हें? बहुत हो गया वैभव, बहुत हो गया। आप सुरभि से और अपने घर वालों से फोन पे बात का सिलसिला बंद करो। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? इसे चाहे जो समझना हो समझो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शिखा को कोई छीन कर तुमसे अलग ले जाए। हाँ वैभव, अगर हमारे प्यार को बचाना चाहते हो तो वहां किसी से बात नहीं करोगे तुम। और अगर मैं तुम्हारी ये बात ना मानू तो? मैं तुम्हारे रंग देख रहा था वैभव, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मगर एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं अपने ऊपर आ गया ना तो तिनके की तरफ बिखर जाओगे तुम और तुम्हारे पिता अमरनाथ भी, कहीं के नहीं रहोगे। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरी बेटी का दिल दुखा करके तुम लोग खुश रहोगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा, समझे? ये सुनील अब तक आया क्यों नहीं? श्रवण धोलिया साहब, क्या बात, क्यों किया फोन? बांके लाल जी, आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन किया। अच्छा, आपने तो कहा था कि जमीन हाथ में आने के बाद आपका काम खत्म नहीं होगा बल्कि शुरू होगा,
पैसों की बात तो अलग, आपने तो काम के लिए याद करना भी छोड़ दिया, ऐसा क्यों बाकीलाल जी? याद करूंगा श्रवण भाई, जरूर याद करूंगा। और सच बताऊं तो दो दिन पहले मैं तुम्हें याद कर भी रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना था। अरे तो मुझे बोल देते, मैं आ जाता। ना ना, अब आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम तो आज अंजाम होने वाला है। अगर आप कहते तो मैं जरूर आ जाता। देखिए, अगर आगे काम हो सकता है तो मैं आ जाता हूँ। काम तो हो ही चुका है, बस ये समझ लो कि सारा काम सेट हो चुका है, और ये काम होने के बाद पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। अपने हिसाब से एक तूफान उठेगा, तूफान जो अमरनाथ की खुशियों को उड़ा ले जाएगा। मैंने जो तुमसे कहा था वही कर रहा हूं अपने हिसाब से। अमरनाथ की बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी है। ओ, तो आप धीरे धीरे अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे नहीं श्रवण, पूरे जोर शोर से। आज मेरी प्लानिंग कामयाब होते ही अमरनाथ की खुशियों पर बहुत बड़ी बिजली गिरेगी। और इसी चोट के लिए मैंने आज की रात निर्धारित की है, और कल सुबह के अखबार में तुम पढ़ लेना कि अमरनाथ के ऊपर कौन सी चोट लगी है। आपकी बात सुनकर मुझे भी दिलचस्पी पैदा होने लगी है कि आखिर आप क्या करने वाले हैं? काम पूरा होने से पहले बात को किसी को बताना ठीक बात नहीं होती है। कल जब ये काम पूरा हो जाएगा और तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा अपने हिसाब से। और सच पूछो श्रवण ढुलिया तो तुम्हें पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम कल का अखबार पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि मैंने कौन सा खेल खेला है अपने हिसाब से। बाकीलाल जी, क्या आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है? मैंने तो आपके कहने पर वो सब किया जो आपने कहा, और किसी को खबर भी नहीं लगने दी। हाँ हाँ, मानता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बस आज की रात गुजर जाने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें दिल्ली भी बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे किए हुए काम के पैसे भी तो देने हैं। हाँ चलो कल बात करते हैं। अरे अपने हिसाब से। दादी माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर बांकीलाल को जमीन का लालच है तो ले ले जमीन, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि वो मेरे पूरे परिवार से बदला लेना चाहता है। अब ये बदले की आग न जाने कहाँ जाके बुझेगी। माता जी, बांकीलाल सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अगर आज अमरनाथ जी के घर में एकता होती, अगर आज वैभव अमरनाथ जी के हाथ में होता, अगर उनका परिवार आज एक होता, तो बांकीलाल इतनी आसानी से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सच कहते हो तुम, जब परिवार बिखर जाता है तो दुश्मन बहुत फायदा उठाते हैं। दादी माँ, सुरभि का उस घर से रिश्ता जोड़ने के बाद हम लोगों ने भी रिश्तों को जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग अपनी खुदगर्जी में आकर सुरभि को तलाक देने का फैसला कर चुके थे। ऐसा नहीं होगा वैभव, ऐसा नहीं करेगा। उसके संस्कार अच्छे हैं, वो कैसे भूल सकता है कि उसने सुरभि को तलाक दे दिया, तो उस बेचारी का क्या होगा? सिर्फ वही नहीं, अमरनाथ जी को भी इस बात का ख्याल नहीं है।
और दुख तो इसी बात का है। अरे श्रवण आओ बैठो, क्या बात है, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। भाई साहब मैंने बांकीलाल को फोन किया था, उससे बात की थी। बांकीलाल आज रात कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। बड़ा खेल? कैसा खेल? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बांकीलाल से बात करके ये पता चला कि उसने कोई बहुत ही बड़ा प्लान बना रखा है और उस प्लान पर वो आज रात ही अमल करने वाला है। उससे बात करके मुझे पता लगा कि वो जो कुछ भी करने वाला है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अमरनाथ जी के साथ करने वाला है। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो आगे क्या करने वाला है? माता जी बांकीलाल बहुत चालाक इंसान है, वो इतनी आसानी से अपनी चाल किसी को नहीं बता सकता। लेकिन पापा अब करना क्या चाहिए? भाई साहब मैंने ये बात आप लोगों को इसलिए बताई है कि कम से कम अमरनाथ जी को सतर्क तो कर दिया जाए, कि अमरनाथ जी इस बात के लिए सतर्क रहें कि बांकीलाल आज रात किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने वाला है। हाँ पापा, हमें कम से कम उन लोगों को फोन करके इस बात के लिए आगाह तो कर देना चाहिए। ठीक है, मैं खुद अमरनाथ जी से बात करूं। क्या हुआ? अब देखो ना, ये छोटे मोटे गुंडे हैं ना नैना, ये छोटे मोटे ही रहते हैं। अब इतने दिनों से मेरे पीछे लगा था, काम बताओ काम बताओ, अब काम बताया तो नादारत पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। हाँ पर पहले आप ये सोचिए कि आप जो करवाना चाहते हैं वो ये सुनील कर पाएगा या नहीं। जरूर कर पाएगा नैना, पहले आ तो जाए अपने हिसाब से। जय उत्तराखंड बांकीलाल जी। अरे भाई कहाँ घास काट रहे थे, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। माफी चाहता हूँ बांकीलाल जी, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। अब यहाँ से जाते वक्त देर ना हो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मगर ये तो बता दीजिए काम क्या है। ये काम है, कर सकोगे? करते वक्त हाथ तो नहीं कांपेंगे तुम्हारे? क्या बात कर रहे हो बांकीलाल जी, बचपन से गोलियां ही चलाई हैं मैंने, ये बताइए किसको उड़ाना है। उड़ाना नहीं है, बड़े प्यार से प्लान के साथ उड़ाना है। समझे? हो जाएगा, मगर ये तो बताइए प्लान क्या है, कब और कैसे और कहाँ करना है। ना जाने कितनी बार ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब वो जमीन बांकीलाल के नाम हो चुकी है उसके बाद भी उसने दादी माँ को मारने का आदेश क्यों दिया। दर्द का रिश्ता होता है।
भाई साहब, क्या बात है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब कि आप कितने परेशान हैं, दीदी भी कितनी परेशान है। हाँ सरस्वती, तब क्या बताऊं, काल राम उसे सौदा करना चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे का सौदा करूं? मैं समझी नहीं। सरस्वती, मैं वैभव को समझाना चाहता हूँ कि आखिर कालरा की नीयत क्या है। वो जबरदस्ती मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है। मैं सोच रहा था कि एक बात मैं कालरा से बात करूं, उससे कहूं कि ठीक है हम सुरभि को तलाक दिलवाएंगे, लेकिन शेखा को एक घरेलू लड़की बनकर इस घर में रहना होगा बस। नहीं भाई साहब, एक बार अगर शादी हो गई तो फिर कुछ बदला ही नहीं जा सकता। हाँ सरस्वती, इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। इतने दिनों से वैभव उस घर में रह रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है कि शिखा और कालरा के मंसूबे क्या है। हेलो। हेलो अमरनाथ जी, मैं मुकुंद प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ मुकुंद प्रसाद चरसिया, क्या बात है, इस वक्त कैसे फोन किया? मैंने आपको एक बात बताने के लिए फोन किया है। दरअसल जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बांकेलाल का हाथ है। हाँ मुझे मालूम है, बस ये नहीं जानता कि उसके इरादे क्या हैं, क्योंकि इरादे तो तुम जानते हो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रह चुके हो। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे एक बात पता चली और मैंने चाहा कि मैं आपको आगाह कर दूं। आपको सतर्क रहना चाहिए। सतर्क? हाँ, मुझे पता चला है कि बांकेलाल ने आज रात के लिए कुछ प्लान करके रखा है। दरअसल वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो हमेशा कोई सोच भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करने वाला है। अच्छा, तो क्या करने वाला है ये तुम पता करके बताओ मुझे। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको बता नहीं देता? आज रात को कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में हमें से किसी को भी नहीं पता। आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखो मुकुंद प्रसाद चौरसिया, हमारे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो हम अच्छी तरह से निपट लेंगे, समझे तुम? आया। बेटा, तुमने अमरनाथ को बता दिया ना कि आज बांकीलाल कुछ भयानक करने वाला है? हाँ माता जी, मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें बता दिया, लेकिन पता नहीं उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, और मेरे पास भी इस बात का जरिया नहीं है कि हम पता कर सकें कि बांकीलाल आज रात करने क्या वाला है। मुझे जमीन चाहिए थी, वो तो मिल गई, अब तो परेशान कर रहा है। पता नहीं क्या बात है माता, मुझे लगता है बांकीलाल का मकसद कुछ और ही है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर उसका मकसद सिर्फ जमीन हासिल करना होता तो जमीन हासिल करने के बाद वो चवन डोलिया को इस बात का आदेश क्यों देता कि वो आपको मार दे। हाँ पापा, ना जाने कितनी बार ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब वो जमीन बांकेलाल के नाम हो चुकी है तो उसके बाद भी उसने दादी माँ को मारने का आदेश क्यों दिया? आखिर दादी माँ को मारकर उसे क्या हासिल हो जाता? तो फिर बात यही कि वो मेरे परिवार से बदला लेना चाहता है, चाहे कुछ भी। अब ठीक कह रही है माता जी, जमीन हासिल करने के बाद वो अपनी जिंदगी आबाद करने की कोशिश करता, लेकिन वो तो पता नहीं कैसी कैसी साजिशें रच रहा है। पापा काश कि ये पता लग पाता कि बांकेलाल आखिर कौन सी साजिश रच रहा है, आखिर करना क्या चाहता है। सिर्फ श्रवण डोरिया ही ऐसा शख्स है जो बांकेलाल से ये बात उगलवा सकता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन इस बांकेलाल ने तो श्रवण डोरिया को भी कुछ नहीं बता रखा है। पापा लेकिन एक बात और भी, उस जमीन को हासिल करने के बाद बांकेलाल की ताकत और भी बढ़ चुकी है,
अब हमारे लिए ये जानना और भी जरूरी हो गया कि बाकेलाल भविष्य में आखिर करने क्या वाला है। ये बात हम श्रवण डूले के जरिए ही पता लगाएंगे, लेकिन फिलहाल माताजी की सच्चाई को हमें छुपाकर रखना होगा। माताजी सुरक्षित हैं और हमारे साथ रह रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। सच मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाकेलाल इतना दुष्ट हो जाएगा एक दिन कि मेरे पूरे परिवार को नष्ट करना चाहेगा, यही साजिश है बनाता रहेगा। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, बाकेलाल को उसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अब कम से कम श्रवण डोलिया तो हमारे साथ है। आज तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मेरी बहन खुश है। दर्द का रिश्ता होता है। मेरी प्यारी बहना, मेरी लाडली बहना, मेरी लाडो। अच्छा बरखा, सच बता, पहले तो तू सिर्फ चंदन से मिली, अब तो तू उसके माँ बाप से भी मिल ली, उनसे बात भी कर ली, उसका घर भी देख लिया, सब कुछ कैसा लगा था? पता? बोल, बोल ना पगली, अरे बोल ना। भैया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जब चंदन के पिता आए थे ना, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि वो कितने गुस्से वाले हैं। लेकिन के घर जाके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरे पगली, उनका गुस्सा करना जायज था, क्योंकि उनकी नजर में मैं कातिल था, माजी का कातिल। उनका गुस्सा करना जायज था। आप ठीक कहते हो भैया, सभी लोग उस घर में बहुत अच्छे लगे और चंदन की मम्मी भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि जब उनसे पहली बार मिलूंगी तो वो मतलब इतने अच्छे से स्वागत करेंगी मेरा। आज तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मेरी बहन खुश है। बरखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लाकर दूंगा, लाया ना? ऐसा लगता है कि आज मैं एक भाई का फर्ज पूरा कर पाया। लेकिन भैया, जब तक माताजी हमारे घर में थी तब तक तो सब ठीक था, अब वो वहां चली गई हैं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? बरखा, पहली बात तो ये कि ये बात खुलेगी नहीं। बात दरअसल ये है कालरा साहब कि हमारी पूजनीय भाभी जी के पैर में मोच आने के बहाने से वैभव जी को घर पर बुलाया गया। मुझे पता नहीं श्रावणी, लेकिन कह रहे थे कि बाकेलाल बहुत बड़ा प्लान बनाने वाला है, कुछ साजिश रचने वाला है, और आज रात को वो उसको अंजाम देगा। तुम बताओ किस लिए फोन किया है तुमने? आप जहां भी हैं सावधान रहिए।